आदाब नाजरीन, जेस्ट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में नरखी फूल बाग में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 22 साल फरहाना बेगम, जिसकी शादी 1.5 साल कबल अल्ताफ नामी शख्स से हुई थी, बरोजे मंगल को फरहाना बेगम की मौत वाकई हो गई। चंद्रनगुट्टा पुलिस ने इस मामले में एक केस दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। आइए सुनते हैं मजीद तफसीलात दोनों घर वालों की जबानी। पेश हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर निजामुद्दीन खान की जेस्ट न्यूज से ये खुसूसी रिपोर्ट। बोलो बोलो का बोलो कैसा लेके बोलो बोल के ले गए जी। उमा यहाँ से अच्छी गई उन्हें बोलो चाचा दिया सब पूरा बोल। सोना ले लिए, वो बच्ची को बिना दिए, उनका खींच लिए सब बोल। चिल्ले का सामान बोले वो भी दिए। दो दिन से बच्ची दिखी, बैंक में दिखी, स्कूल काम दिखी, पैसे मिल रहे उसकी अम्मा बहना नहीं है, इसकी अम्मा नहीं है, इसकी बहना नहीं है, इसकी जो कुछ वो कर दिया। उनके भी घर में नहीं है, नहीं है, अम्मा बहना नहीं है, कहते बहन को तो क्या बोलूँ। उसकी दो महीने का बच्चा है जी, मासूम बच्ची हमारे सामने पड़ी। बेटी होना बेटी होना बोले, पहले बाद में बेटा हुआ, बाद में भी नहीं। पांच साल दे रहे छिनाल के। बच्ची का दो दिन से मिल रही थी मेरे को, बच्ची बैंक में मिली। क्या हुआ बोल बोल तो बोल रही नहीं, बैंक में पैसे लाने गए तो बोल के क्या हुआ बोल तो बोल रही नहीं। क्या हुआ कुछ नहीं हुआ जी, मामू को भी तकलीफ थी, उसको कुछ ना कुछ कर रहे थे बहन के रोड़े, तकलीफ दे रहे थे उसको, तकलीफ नहीं होती। बोलो मेरी बहन बोलती नहीं जी मेरे को डर के, झगड़े रुखसार बेगम है, मेरी बहन फराना है, हमला नामपल्ली आगापुरा के रहने वाले है। एक साल पहले 24 फरवरी को हम मेरी बहन की शादी हुई थी। अब ये 2 फरवरी को, एक साल हो गया था, 24 फरवरी को 2 फरवरी को उनको बेटा हुआ था, बेटा हुआ था। तो उन लोग बार बार फोन कर, हाँ उन लोग प्राइवेट, हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी डिलीवरी कराए तो प्राइवेट में कराना, प्राइवेट में कराना, तो बच्चे को देखने नहीं आ रहे थे, बच्चे को देखने नहीं आ रहे थे, उनको भी देखने नहीं आ रहे थे। तो मेरी बहन इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, लोग सुन रहे नहीं थे। फिर गवर्नमेंट में कराए, गवर्नमेंट में कराए बोल के बार बार लड़ रहे थे फोन आ करके, बच्चे को देखने नहीं आ रहे बोल के। मेरी बहन बहुत रो रही थी, रो रही थी। फिर बाद में झूला टॉर्चर ना करे कि बच्ची को बोली नहीं बच्ची। फिर झूला झूला होना, ये होना, 100 लोगों की दावत करो, 100 लोगों की दावत करो, हमारे लोग फकीरा है क्या, और 100 लोगों की दावत होना, हम लोग छठी की 100 लोगों की दावत होना बोल के बोल रहे। सब करेंगे,
हुआ सब। अब क्या करते हैं, अब महन क्यों क्या हुआ बोलो। अच्छी अम्मी का अब कल रात में, अब कल कल आके लेके गए, कल एक दिन कल उनकी सास आके ले लेके गए, सास लेके जाके क्या करे रात में नहीं मालूम, मार दिया बच्ची को, मार के लाश के साथ बुलाए बाबा को अम्मा को। बच्चे को, बच्ची को डब्बे में डाल दिए, डेड बॉडी डाल के बता रहे हैं जब इनका ऐसा हो गया बल्कि, और पूरा गायब हो गए, कोई नहीं है वहाँ पे, सब चले गए। मरद को पहले फंसाओ, पहले मरद को मारो, इंसाफ होना हम लोगों को, हाँ इंसाफ देना हमारे, इंसाफ होना हम लोगों को, पैसा भी करके मगर इंसाफ दिला दो। हमारी मासूम बच्ची है, इसका छोटा बच्चा है मासूम, चिल्ला होके गई बच्ची यहाँ से, सुबह में लाश के साथ दिखी, अब इंसाफ होना है देखो हमको, हमारी बच्ची के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम, मैं मामू हूँ बच्ची का, मेरे को बोल के हमारा हमारे भवन में को इत्तला दिए तो बच्ची की तबीयत ख़राब है बोल के, अवेसी हॉस्पिटल अपोलो में मेरे को बुलाए, बुलाने के बाद देखे तो बच्ची की लाश पड़ी हुई है वहाँ पर, कलीज बच्ची भिजाए गए थे ससुराल में। हाँ ऐसा बच्ची को तकलीफ दे के क्या करे क्या है नहीं, मेरे को मालूम नहीं है, बच्ची को ऐसा हॉस्पिटल में डाल देके बता रहे मेरे को इंतकाल होगा बोल के, मैं आके देखा कुछ इंसाफ होना साहब, मासूम बच्ची है, मासूम बच्ची है उनका, हाँ कौन सा कौन पालना, कौन जिम्मेदार है उनके, हमको कैसे गवर्नमेंट से मेरे को नाम दवाखाने हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।